यूनिवर्स का ज़रूरी संदेश। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, आज मैं तुम्हें ज्ञान के उस खजाने के बारे में बताऊंगा, जिसे जीवन में अपना कर तुम वो हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में बिना कारण कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। इस सृष्टि का कोई भी जीव एक सेकंड भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने से अच्छा है आज़ाद रहकर कष्टों का सामना करना। क्रोध, वासना और लालच, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। आप आज जो कुछ भी हो वो केवल और केवल अपनी सोच की वजह से हो। इस दुनिया में सबसे खुश वो है जिसका दिल और दिमाग एक ही दिशा में सोचता है। कोई भी काम अच्छा है या बुरा, यह उसका उद्देश्य निश्चित करता है। सच्चाई और अच्छाई को ना तो छिपाया जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो संघर्ष करो, नहीं तो इस बात का अफसोस मत करो कि मुझे जीवन में कुछ मिला नहीं। कर्म करो परंतु उसके परिणाम के बारे में मत सोचो। इस दुनिया में इंसान हर दिन कुछ नया सीखने के लिए आया है। जो कुछ नया नहीं सीख रहा है वह मरे हुए के समान है। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली वो है जो माफ़ करना जानता है। जब कोई महान इंसान कुछ करता है तो बाकी दुनिया भी वैसा ही करने लगती है। सबको सही रास्ता दिखाओ। तुम्हारी ज़िंदगी तब बदलती है जब तुम्हारा सोचने का तरीका बदलता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है अगर तुम ठान लो। इस दुनिया में जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी निश्चित होता है। शरीर से बड़ी इंद्रियां, इंद्रियों से बड़े विचार, विचार से बड़ी बुद्धि और बुद्धि से बड़ी आत्मा होती है। सुख और दुख केवल एक मानसिक अवस्था है। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आप सुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है अगर ये काबू में नहीं है, और सबसे बड़ा मित्र भी हमारा मन है अगर ये काबू में है। जीवन ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में है, केवल वर्तमान यानी कि आज है। ये श्रीमद् भगवद गीता की 21 बातें जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपना लेता है वह सभी दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है आज की इन बातों से तुमने अवश्य ही कुछ सीखा होगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा।